साल 2021 में कनाडा प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 6.2 लाख स्टडी वीजा एप्लीकेशंस, जिसमें 1/3 स्टूडेंट्स वर इंडियंस, मतलब अराउंड 2 लाख। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के हिसाब से भी 2,15,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू स्टडी इन कनाडा इन द सेम ईयर, एंड इसके कंपैरिजन में यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स वर 2,11,000। आज कनाडा की टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन में 34% आर इंडियन स्टूडेंट्स। Hey guys, my name is Saket, and in today's video, I will address all your queries about September 2023 intake deadlines for Canada for both UG and PG students going for college or university in the country. So if you're planning to study for the coming fall intake, ye video super helpful hoga, so end tak dekhen. Start karte hain colleges ke saath. Canada ke colleges are extremely popular and we all know that. कुछ कोर्सेज जैसे कि हेल्थ केयर, नर्सिंग एंड आईटी इतने पॉपुलर हैं कि काफी कॉलेजेस में दे गेट फुल इन जस्ट 7 to 14 days आफ्टर दे ओपन। कॉलेजेस की यूजली कोई डेडलाइन नहीं होती, एज मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। ये एक एप्लीकेबल है फॉर ऑल डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जैसे कि यूजी लेवल पे 2 and 3 year डिप्लोमास, PG certificates and PG diplomas of 1 to 2 years. That is the reason it is advisable to apply as early as possible. Most colleges do not offer conditional offer letters, therefore it is important that you have all the documents in order before you apply. They include your final mark sheets, your IELTS score and your passport. Colleges mein SOP and recommendation letters are usually not required. Ideal case mein aapko apply karna chahiye maximum by March or April 2023 for September 23 intake for both UG and PG diploma programs. But do note that popular programs and colleges बहुत जल्दी close हो जाते हैं, इसलिए don't leave things at the last minute. अब बात करते हैं universities की. Unlike colleges, Canada की universities की set deadlines होती हैं, which means you can be sure that you can submit your application at the last minute as well. So universities also offer conditional offer letters, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी final marksheet या IELTS नहीं है आपके पास, आप still apply कर सकते हैं. बैचलर्स डिग्री के लिए मोस्ट यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन फरवरी और मार्च के अराउंड होती है, एक्सेप्ट अ फ्यू यूनिवर्सिटीज विच आर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, यूबीसी एंड मैकमास्टर, जहां डेडलाइंस आर यूजुअली इन जनवरी। आइडियली फरवरी 1 विल बी द डेडलाइन फॉर मोस्ट यूजी डिग्रीज। मास्टर्स कोर्सेज के लिए डेडलाइंस यूजुअली जनवरी से मार्च के बीच होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। काफी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज क्लोज बाय जनवरी एंड मेनी ऑल्सो एक्सेप्ट स्टूडेंट्स अंटिल मार्च। कुछ बहुत सिलेक्टेड प्रोग्राम्स ऑल्सो एक्सेप्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंटिल May 1st। इसके लिए यू कैन रेफर टू द डिपार्टमेंट वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू विश टू स्टडी एट। MBA प्रोग्राम्स के लिए देर आर 3 राउंड्स विद डेडलाइंस इन नवंबर, जनवरी एंड मार्च। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेडलाइंस मे बी अर्ली फॉर बोथ यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, एंड दिस यू कैन चेक ऑन द कोर्स पेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा चैलेंज फॉर एन इंडियन स्टूडेंट टू गेट एन एडमिट इन कनेडियन कॉलेज इज द डॉक्यूमेंटेशन। काफी स्टूडेंट्स डोंट हैव देयर फाइनल मार्कशीट्स रेडी फॉर सेप्टेम्बर इनटेक इफ दे आर ऑलरेडी स्टडिंग एंड दे मिस आउट ऑन गेटिंग एन एडमिट बिकॉज कॉलेजेस यूजुअली डोंट ऑफर कंडीशनल लेटर्स। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस दैट डू ऑफर कंडीशनल ऑफर लेटर्स एज वेल। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड टू अप्लाई फॉर सेप्टेम्बर 23 इनटेक यू कैन बुक अ फ्री सेशन विद अस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।